नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के अनमोल। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने खेल मंत्री को लगाई डांट, बोले मंत्री होकर धरना देते हो। चंबल में रिवर फ्रंट के उद्घाटन में सीएम का दौरा टला। हरियाणा सीएम की फर्जी दान की रसीद वायरल। वैट को लेकर 2 दिन बंद रहेंगे राजस्थान के पेट्रोल पंप। और जयपुर में पब्लिक सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में पेश किया एक्शन प्लान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने पर खेल मंत्री अशोक चांदना को डांट लगा दी। प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में सोमवार को आयोजित कैंपेन कमेटी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अशोक चांदना को सख्त लहजे में कहा कि आप मंत्री हो और खुद ही धरने पर बैठ जाते हो, कोई बात थी तो मुझसे कहते। इस पर चांदना ने कहा कि मैं मंत्री होकर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगवा पा रहा था। सीएम गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कहा कि आगे से कोई ऐसा करे तो उसे पार्टी की ओर से नोटिस दो। कोटा संभाग में चंबल रिवर फ्रंट का मंगलवार को उद्घाटन होना है। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत सहित कैबिनेट मंत्रियों, आयोग अध्यक्षों और कई विधायकों को आमंत्रित किया गया था। सीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन ऐन वक्त पर रात 2:28 पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर 12 सितंबर को रिवर फ्रंट के उद्घाटन समारोह में नहीं आने की सूचना दी। हड़ौती वासियों को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे इसका बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन मैं अपरिहार्य कारणों से 12 सितंबर के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही कहा कि अगले दिन 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कुछ दिन पहले गुरु जम्भेश्वर भगवान की जयंती पर हिसार आए थे। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के नाम से बिश्नोई मंदिर में 50 रुपये दान करने की एक पर्ची रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि सीएम ने ऐसी कोई रसीद नहीं कटवाई। इस रसीद पर सीएम का नाम, उनके पिता का नाम, जिला तहसील और गांव का नाम लिखा हुआ है। साथ ही प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वेट को लेकर पेट्रोल पंप संचालक कल से 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इनमें अजमेर जिले के 225 पेट्रोल पंप शामिल हैं। इसके बाद भी अगर सरकार ने वेट कम नहीं किया तो पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संचालकों के इस निर्णय से राज्य सरकार को रोजाना 50 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अशोक जयसिंघानी ने बताया कि राजस्थान सरकार देश में सबसे ज्यादा वैट वसूल रही है। राजधानी जयपुर में कचरा, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण सहित अन्य पब्लिक सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक्शन प्लान पेश किया। इसमें सरकार ने इन सभी को लेकर किए जा रहे कामों की जानकारी दी। साथ ही आगे इस संबंध में किए जाने वाले काम का ब्यौरा भी एक्शन प्लान के जरिए कोर्ट में रखा। जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी। सरकार के एक्शन प्लान को लेकर मामले में न्याय मित्र विमल चौधरी ने कहा कि सरकार ने कागजों में पिंक सिटी को दुबई बना दिया है, लेकिन वास्तव में धरातल पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। नागौर जिले के परबसर शहर के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधि के हिसाब से EO की पोस्टिंग नहीं होने के कारण शहर के विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। बीते 4 साल में करीब 9 EO बदल दिए गए हैं। वहीं अभी भी परबसर नगरपालिका में EO का पद खाली पड़ा है। नगरपालिका के EO का अतिरिक्त कार्यभार कई महीनों से डेगाना EO पिंटू लाल चौधरी ने संभाल रखा है। नगरपालिका का बोर्ड BJP के हाथों में है और विधायक कांग्रेस के हैं। दोनों ही अपने अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल पहुंच गई हैं। प्रदेश में प्रियंका गांधी सदी की सबसे भीषण त्रासदी के पीड़ितों से मिलेंगी। प्रियंका का आज कुल्लू, मनाली, मंडी के पंडोह और सोलन जाने का कार्यक्रम है। आज सुबह के वक्त करीब 8 बजे प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची। यहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनका स्वागत किया। यहाँ पर अभी वो प्रभावित परिवारों से मिल रही हैं। रोडवेज की महिला बस कंडक्टर ने बालिक बेटे के पढ़ाई खर्च के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार पिता से भरण पोषण भत्ता दिलवाया। वहीं पिता का दावा था कि प्रार्थिया को हर महीने 30,000 रुपये वेतन मिलता है, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इस मामले में जयपुर मेट्रो की जाली नोट मामलों की कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिक बेटे को उसके बालिक होने से 6 साल या प्रथम डिग्री कोर्स पूरा करने तक भरण पोषण भत्ता दिए जाने का हकदार माना है। अधिवक्ता डॉक्टर योगेश गुप्ता और अमित विजय ने बताया कि प्रार्थिया मीनाक्षी यादव ने ये कानूनी लड़ाई जीती।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस परीक्षा 2021 के इंटरव्यू का चतुर्थ चरण सोमवार से शुरू कर दिया। पहले दिन 32 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए गए। इंटरव्यू के लिए दो बोर्ड ही गठित किए गए। प्रत्येक बोर्ड में 8 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। दोनों पारियों में कुल 32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए। आयोग ने एक तीसरा बोर्ड भूजल विभाग में जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट पदों के लिए भी इंटरव्यू शुरू किए। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया। इन पदों के लिए मंगलवार को इंटरव्यू हो गए। अब सरकारी स्कूल के छोटे बच्चे भी कंप्यूटर चलाएंगे। किस क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। जल्द ही प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह ही अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी कंप्यूटर सीखते नजर आएंगे। सरकार ने पिछली बार ही कंप्यूटर अनुदेशक लगाए हैं। वे फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। जयपुर में जल्द ही रोपवे की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में जल्द ही रोपवे पर ट्रॉलियां चलती दिखेंगी। अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबाई में रोपवे बनकर तैयार हो गया है। इस प्रोजेक्ट को जल्द ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा, जिसके बाद ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक जाने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये राजस्थान का पहला ऐसा रोपवे होगा जिसकी कैबिन के डोर ऑटोमेटिक होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 सितंबर को मथुरा कॉरिडोर मामले में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने पर कॉरिडोर का निर्माण इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा में 505 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीते साल जन्माष्टमी पर भीड़ में दबने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कॉरिडोर बनाने की योजना पेश करने को कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिनों के स्पेन और दुबई दौरे के लिए 12 सितंबर को रवाना हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिनों के स्पेन और दुबई के दौरे के लिए आज रवाना हुई। दुबई में रात भर ठहराव के बाद सुबह ममता स्पेन की राजधानी मैड्रिड जाएंगी। वहां 3 दिवसीय बिजनेस समिट में भाग लेंगी। मैड्रिड में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली उन्हें ज्वाइन करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत देश भर में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 2000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 27 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने 41,490 रुपये से लेकर 63,840 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। 2018 में केंद्र सरकार ने 10 करोड़ 74 लाख ऐसे परिवारों यानी कि करीब 50 करोड़ लोग चिन्हित किए थे जिन्हें आयुष्मान योजना के दायरे में लाना था। केंद्र सरकार मिशन 2024 से पहले आयुष्मान भव अभियान के जरिए 7 करोड़ नए परिवारों तक पहुंचने की तैयारी में है। एक परिवार में औसत 5 सदस्यों को मानते हुए करीब 35 करोड़ नए लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। अब लाभार्थियों की संख्या में उन लोगों को भी जोड़ना तय हुआ है जो 2011 के बाद नई जनगणना नहीं होने से कहीं दर्ज नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।